बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूं और बहुत ही देर के बाद, लंबे अरसे के बाद ये डिश लेकर आई हूं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर ये डिश कैसी बनी है। तो आज मैं अपने चैनल पर चिकन मैक्रोनी बनाऊँगी जो है चाइनीज़। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलते हैं इसको पकाने की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार और बच्चे पसंद करते हैं, मज़ेदार है डिश है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और सभी शौक से खाते हैं। तो आज इसको बनाएंगे और इसके मज़े लेंगे ये कैसी डिश बनी है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे मज़े मज़े के खाने देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, मेरे टिकटॉक को फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए देखते हैं इंग्रीडियंट में क्या क्या लवाजमात है। तो यहाँ देखिए आ गए हैं इंग्रीडियंट की तरफ, आप भी देखिए। तो हमने यहाँ ये मैक्रोनी ले ली है, ये बिग पार्लर की है, ये एल्बो शेप में है। इसके साथ हमने ये खुली जो है मैक्रोनी परचेज की है, ये स्टिक है इस तरह मुड़ी हुई, तो ये भी हमने ले ली। साथ हमने चिकन ले लिया 350 ग्राम, इसको हमने हड्डी वगैरह निकाल के, तो ये चिकन बोनलेस हो गया साफ़ सुथरा, ये भी हमने कर लिया। ये हमारे पास 150 ग्राम हरी प्याज है, इसको हमने चॉप कर ली। एक जो शिमला मिर्च है उसको हमने चॉप कर ली। बंद गोभी है तकरीबन 120 ग्राम। एक गाजर थी बड़ी, वो भी मैंने चॉप कर ली। 3 हरी मिर्चें, ये मैंने चॉप कर ली, आप जो है अपने जायके के मुताबिक रखिएगा। 2 टमाटर इस तरह हमने क्यूब में कट कर लिए। और यहाँ है मेरे पास 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया टमाटो केचप, ये 1 कटोरी है। ये लाल मिर्च है सिर्फ 1 टीस्पून, आधा टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही ये कुटी हुई मिर्च है जो मैंने घर में बनाई है, घर से बनाई हुई है। अब यहाँ ये है चिल्ली सॉस और ये है सोया सॉस, ये है विनीगर, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ये है मसाला जो बिग पार्लर के साथ आया है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमने टिक्का मैक्रोनी का मसाला लिया है बाज़ार से, 10 रुपए का ये शाशा है, तो इसको भी इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ दोस्तों मैंने चूल्हा स्टार्ट कर लिया है, पानी रख दिया है उबाइल करने, तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने रख दिया। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल देती हूँ, ये तकरीबन हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया और थोड़ा सा मैं इसमें 1 से 2 चम्मच मैं ऑयल भी शामिल कर दूंगी ताकि हमारी ये मैक्रोनी चिपके नहीं आपस में। तो ये पानी उबाल आ जाता है इसमें, फिर मैं इसमें आपको आगे दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पानी उबल रहा है, मैं इसमें मैक्रोनी डाल देती हूँ, ये हम दोनों इसमें डाल देंगे। इसको तकरीबन 7-8 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूंगी। तो यहाँ दोस्तों तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं ये कितनी गल गई है। तो ये अच्छे से गल गई है, ये भी और दूसरी वाली भी, ये देखिए ये गल गई। अब मैं इसको छान लेती हूँ छन्नी में और मैं थोड़ा सा इसमें से पानी निकाल लूंगी, इसके स्टार्च वाला, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी सब्जियों में डालने की तो मैं यही पानी यूज़ करूँगी। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है आलू पकौड़ियों की रेसिपी बताई थी, आलू पकौड़ियों का सालन किस तरीके से बनता है हमने वो बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका लिंक मौजूद है, वीडियो के नीचे भी लिंक मौजूद है और चैनल पर तो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, वीडियो की एंड स्क्रीन पर और आई कार्ड पर भी वीडियो मौजूद है। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच ऑयल डाले हैं, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ।
इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। दोस्तों इससे पहले हमने जो चाइनीज़ वीडियो डाली थी ये उसके अंदर हमने स्पेगेटी की रेसिपी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मौजूद है और उसकी जो प्लेलिस्ट है चाइनीज़ रेसिपीज़ के नाम से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएं आपको मिल जाएगी। मैं लिंक भी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी दूँगा, आप उस रेसिपी भी देखिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है और आप उसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया, अब मैं थोड़ा सा चिकन को करती हूँ फ्राई, इसका कच्चापन अच्छे से दूर करती हूँ। तो यहाँ देखें अच्छी सी मैंने इसको फ्राई कर लिया, तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ये प्याज भी डाल दूंगी, इस प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आपने हमें ये भी कमेंट करके बताना है आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, देसी या चाइनीज़। तो यहाँ दोस्तों तकरीबन 3 मिनट हो गए, अब मैं इसमें ये मसाले भी डाल देती हूँ ताकि मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए, और ये साथ ही हम गाजर भी डाल देंगे इसमें। साथ में ये टमाटर भी डाल देंगे ताकि टमाटरों के पानी में ये पक जाए गाजर भी। हमारा फ्लेम है मीडियम, तो ये तेज़ आंच पे पकता है तो मैंने थोड़ा मीडियम किया हुआ है। दोस्तों ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये खाना कैसा बना है और आपको कितना पसंद आया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे अंदर और ताकत आए और जज्बा आए काम करने का, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ दे सकूँ। जब आप कमेंट्स करते हैं, प्यारा सा लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है और हमें जो है खुशी होती है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे खाने को और हमें लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ देखें दोस्तों अच्छी खासी देर हो गई है, 4 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा ये 1 चम्मच पानी डालूंगी ताकि हमारी चिकन या टमाटर थोड़े से गल जाए। तो ये देखिए ये इतना सा मैंने पानी डाला है और मैं इसको अच्छे से और पका लूँगी, फिर मैं जो कुछ चीज़ें शामिल करूँगी आपको दिखाऊँगी इसमें। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें मैक्रोनी शामिल करती हूँ, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैक्रोनी जो है हमने जब छानी थी तो ये जुड़ी नहीं है, और जुड़ी नहीं है उसकी वजह यह है कि अम्मी ने जो है उबालते वक्त इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया था, जिसकी वजह से ये चिपकी नहीं है, वरना चिपक जाती है तो फिर बहुत बुरी लगती है, ये एक साथ जुड़ जाती हैं, ये चिपकी नहीं है, इसकी ये ख़ास बात है। आप भी जब जो है इसको बनाएं तो आप भी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया करें उबालते वक्त। मैं इसमें अब अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको, अब मैं इसमें केचप डाल के भी मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इसमें 1 चम्मच बिग पार्लर मसाला का और डाला, तो मुझे कम लग रहा था, तो आप भी अपने जायके के मुताबिक ही डालिए। ये हम यहाँ केचप इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैंने यहाँ केचप इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप इसमें चीनी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसको मैं तेज आंच पे अच्छे से भून लेती हूँ।
तो मैंने अच्छे से इसको 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ इसमें डाल दूंगी ये धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूंगी। और ये हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है, मैं इसको खा कर भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ दोस्तों देखें ये चिकन मैक्रोनी हो गई है तैयार। अगर आप इसको बनाना चाहें स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, लजीज बनी है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखते रहिए, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और मेरे टिकटॉक को भी आप फॉलो करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको और अच्छी रेसिपियां दिखाऊंगी। ये मैं खा कर दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है ये। तो ये देखें, आप यकीन करें छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा, इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है। आप इसको मेरी ही रेसिपी को आप बनाइए और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये कितनी मज़ेदार बनी है और आपको देखने में ये कैसी लग रही है, क्योंकि मैं चाइनीज़ खाने बहुत कम बनाती हूँ। अगर आप पसंद करेंगे तो मैं और भी लाऊँगी, और चाइनीज़ खाने लाऊँगी आपकी पसंद के, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आऊंगी इंशाल्लाह आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।